सीट नहीं मिली तो महिलाओं ने जमीन पर बैठकर देखी द कश्मीर फाइल्स। मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर अभिनीत और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की अधिकांश शूटिंग मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में की गई है और लाइब्रेरी चौक को लाल चौक दर्शाया गया है। ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है, जिसे देखने आज ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली की महिलाएं भारी संख्या में पहुंची और सीट न मिलने पर जमीन पर बैठकर ही उन्होंने फिल्म का आनंद लिया। साथ ही महिलाएं फिल्म देखकर काफी भावुक हो गई और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाकर फिल्म की प्रशंसा की और बताया, यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए ताकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को समझा जा सके। फिल्म देखने के दौरान कई महिलाओं की आंखों में आंसू भी आए और सभी महिलाएं भावुक हो गई। नव भारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है आज आपके माध्यम से जो है पूरे ग्रामीणों को जो है फिल्म दिखाई गई है, क्या कुछ उद्देश्य था इसका? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, इस फिल्म को दिखाने का तीन कारण थे। पहली कि गांव की महिलाओं, कई महिलाएं इन जो आज फिल्म देखने आई, लगभग 120 से ज़्यादा महिलाएं थी, इसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में कोई थिएटर नहीं देखा, आज उन्हें भी मौका मिला है। दूसरा ये कि ये हमारे देश का एक इतिहास है, इस इतिहास को हमसे छिपाने की कोशिश की है तो हमारी पूरी पंचायत की इसकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा कारण ये कि शायद इतिहास में पूरे गांव को एक साथ थिएटर में पिक्चर देखने का बार बार मौका ना मिले, उस मौके को भी हमने उसका पूरा फायदा उठाया कि पूरा गाँव एक साथ फिल्म देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद ये टीवी में भी आए, परंतु महिलाओं को घर में भी इतना समय नहीं मिलता है कि वो अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उस पिक्चर को उस टाइम भी पूरा देख सके। घर में बच्चों को पढ़ाती हैं और घर में घर का काम काज होता है, तो वो उस फिल्म को पूरा पूरी तरह से देख नहीं सकती। आज पूरे गांव ने, पूरी महिलाओं ने, पूरी पंचायती महिलाओं ने एक साथ फिल्म को देखा है तो उसको समझने का मौका भी मिला है, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिला है और साथ में हमारे देश की जो पूरी जानकारी है जो आज तक भारत में छिपाई गई उसको उन्होंने आपस में बांटा भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो है वो आपके माध्यम से जो है गांव वालों को जो है यहाँ पर फिल्म दिखाई गई है, क्या कुछ उद्देश्य था इस फिल्म को दिखाने का? आज हमने अपने ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं को द कश्मीर फाइल फिल्म दिखाने लाए हैं और जो एक सच्चाई थी जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी 30 साल पहले, लेकिन आज वो सच्चाई जब हमने देखी तो बिल्कुल दिल को दहलाने वाली है। और महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, बर्बरता हुई है, उसके बारे में तो मेरा क्या कहूँ, मन ही सहज गया बिल्कुल देख के उसको। लेकिन आज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, शहर से लेकर गांव तक की महिलाएं जो है आज सशक्त हो रही हैं। हमारी ग्राम पंचायत की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज उन्होंने लगभग 29 जो परिवार है उनको स्वरोजगार से जोड़ा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अभी मशरूम उत्पादन किया है, होली के रंग बनाए हैं और साथ ही साथ उनका आगे भी प्लान है कि वो हार्पिक वगैरह बनाए और एक सशक्त महिला के रूप में उभरे। तरह से देखते हैं जिस तरह से 370 वहाँ से हटी है तो देखते हैं जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, तो जल्दी उनके वापसी होगी वहाँ पर कश्मीर में, उन्हें अपना घर वापस मिलेगा। आपके विचार कहाँ से आए कि आपने अपने वेतन से जो है पूरे ग्रामीणों को जो है फिल्म दिखाने का विचार बनाया? ये एक दिन हम घर में ही बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ महिलाएं जाके हम फिल्म देखते हैं द कश्मीर फाइल, लेकिन जब हमने सोचा तो क्यों ना हम पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को लेके जाए और एक साथ, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि गांव की महिलाएं, उनकी खेती है, पशु है, सब है, तो कभी मौका, कुछ महिलाएं तो ऐसे भी होंगी जिनको कि जिन्होंने होली नहीं देखा होगा आज तक, लेकिन हमने ये विचार बनाया क्यों नहीं हम ही क्यों देखें, हम पूरी महिलाओं को लेके जाएंगे क्योंकि महिलाएं बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए हमने सोचा। और बहुत अच्छा लगा आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने एक साथ बैठ के ये मूवी देखी है। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए क्या, ये तो हमें भी इतिहास के बारे में अभी तक पता नहीं था, लेकिन आज हमने जब फिल्म देखी है तो देखा कि कितने मतलब बर्बरता महिलाओं के ऊपर हुई है और महिलाएं एक ऐसी शक्ति है जो कि पुरुषों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो महिलाएं बहुत ही सशक्त हुई है।